हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक गैजेट्स एजुकेशन में। हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने इसमें पढ़ चुके थे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उसके कैरेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमने पढ़ा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज हम पढ़ेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल वेयर वी रिक्वायर्ड ए क्विक रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल मिसाइल सिस्टम वेयर मिसाइल हैज़ टू लॉन्च एट सर्टेन टाइम हॉस्पिटल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब हमें सर्टेन टाइम रिक्वायर्ड होता है या फिर हमें रियल टाइम चाहिए होता है तब हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे कि जब हम मिसाइल यूज करते हैं तो हमें मिसाइल यूज करते टाइम उसका रियल टाइम पता होना चाहिए, इसलिए हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इन दिस ऑपरेटिंग सीपीयू प्रोवाइड्स मैक्सिमम एफर्ट टू इट्स टास्क विद क्विक रिस्पॉन्स। यहाँ हमें सीपीयू क्विक रिस्पॉन्स देता है इसलिए हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। एंड इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इज वेरी यूजफुल वेयर वी रिक्वायर्ड ए क्विक रिस्पॉन्स। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए यूजफुल होता है जब हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। हैंस जनरली यूज इन साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, नासा एंड मैनी मोर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके डिसएडवांटेज एंड दीज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली होता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज है। मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ए मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन विथ टू मोर सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कंट्रोल द एंड दी यूजर्स ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर अलाउड द टू कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन फास्टर सिंस टास्क कैन बी डिवाइड अप बिटवीन प्रोसेसर्स। ए मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन विथ टू और मोर सेंट्रल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमारा सीपीयू के पास बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो उसमें क्या करता है, ये अपनी प्रोसेस को अदर अदर सीपीयू को बांट देता है। यही होता है मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।